रद्द हो जाएगा ममता बनर्जी का नामांकन? भाजपा उम्मीदवार ने की शिकायत। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रियंका टिबरीवाल से है। 30 सितंबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले बीजेपी ने ममता के नॉमिनेशन पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय ममता ने अपने खिलाफ दर्ज 5 पुलिस मामलों का खुलासा नहीं किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। भवानीपुर उपचुनाव जीतना ममता बनर्जी के लिए आवश्यक है। अगर वह इसमें सफल नहीं होती है तो उनकी सीएम की कुर्सी चली जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों चुनाव हारने के बाद ममता के लिए ऐसी उत्पन्न हुई। इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी को केवल मामलों का खुलासा करने की आवश्यकता थी यदि उनका वास्तव में आरोप पत्र में नाम है। वहीं भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल के चुनाव एजेंट ने अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ 5 पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं और वह इन विवरणों का खुलासा करने में विफल रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये सभी 5 मामले असम में दर्ज किए गए हैं। इसी तरह की शिकायत उनके खिलाफ अप्रैल से मई चुनाव से पहले भी दर्ज कराई गई थी।